इस प्रजाति के मशरूम का उत्पादन खेती के कई अवशेषों पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन धान का पुआल और गेहूं का भूसा चूंकि बिहार में आसानी से सस्ते दर पर और सालों भर उपलब्ध होता है, इसलिए पुआल की कुट्टी या भूसे का प्रयोग करना आपके लिए बेहतर होगा। इसकी उत्पादन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पुआल की कुट्टी या भूसे को उपचारित किया जाता है, जिसकी तीन विधियां हैं। पहला, पुआल की कुट्टी या भूसे को दवा के साथ उपचारित करना, जिसमें कार्बेंडाजीम 7.5 ग्राम और फार्मलीन की 125 मिलीलीटर मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर कुट्टी या भूसा को उपचारित किया जाता है। दूसरी विधि में पुआल को गर्म पानी में उबालकर उपचारित किया जाता है और तीसरी विधि में कुट्टी या भूसे को भाप से उपचारित किया जाता है। अब उपचारित पुआल की कुट्टी या भूसे को ठंडा होने के बाद अतिरिक्त नमी निकालने के लिए किसी साफ सुथरे फर्श या पॉलिथीन शीट पर डाल दें। अतिरिक्त जल की मात्रा निकल जाने के बाद उसे छांव में फैला दें। उसके बाद भूसे को मुट्ठी में दबाकर ये जांच लें कि कहीं कुट्टी या भूसे से पानी निकल तो नहीं रहा। अब नमी जांचने के बाद 100 ग्राम मशरूम का बीज प्रति 1 किलोग्राम शुष्क कुट्टी या भूसे की दर से उपचारित भूसे में अच्छी तरह से मिलाकर नायलॉन जाली या पॉलिथीन बैग में डालकर उचित स्थान पर रख दें। इसे ऐसी जगह पर रखना होता है जहां का तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ध्यान रहे कि यदि नायलॉन जाली प्रयोग में लाया गया है तो कुट्टी या भूसे को जाली में भरने के बाद पॉलिथीन बैग से इस प्रकार ढकें कि पुआल की कुट्टी या भूसे पॉलिथीन को स्पर्श ना करे। यदि सिर्फ पीपी पॉलिथीन बैग प्रयोग में लाया गया है तो कुट्टी या भूसा भरने के बाद बैग में 16 से 18 छिद्र बना दें और जब सफेद कवक जाल कुट्टी या भूसे से भरे पीपी बैग को ढक ले तो पीपी पॉलिथीन फाड़कर हटा देना बेहतर होगा। अब इस बैग को रैक पर सावधानी से रख देना चाहिए। हालांकि जो किसान भाई पहली बार मशरूम की खेती करने जा रहे हो, उन्हें फसल की पहली तुड़ाई के बाद ही पीपी पन्नी हटाना चाहिए, क्योंकि पन्नी हटाने से उसमें लगातार नमी बनाए रखना होता है, जिसमें अधिकतर किसान भाई को कठिनाई होती है। बैग को रैक पर रखे जाने के 15 से 18 दिनों बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है, तो फसल के परिपक्व हो जाने पर तुड़ाई किया जाना चाहिए। व्यवसायिक दृष्टिकोण से एक बैग से 3 बार फसल लेना सही होता है। किसान भाइयों, इसकी तुड़ाई की भी एक खास और दिलचस्प तकनीक है। मशरूम को थैले से सीधे खींच कर तोड़ने की बजाय मरोड़ कर तोड़ना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में लगभग 7 महीने तक इस प्रजाति की खेती बड़ी ही आसानी से की जा सकती है।